जानसू भी फोन नहीं उठा रही है, काश मैं उसे बता पाती। चलो पहले पीछे चलकर देखते हैं, शायद तुम्हारा भाई वहाँ हो। क्या उन्हें पता है सब कैंसिल हो गया, वो यहाँ क्यों है? देखते हैं, चलो तो सही। सरप्राइज। ओ डैड, आप ही ना। हैप्पी बर्थडे मेरी परी। थैंक यू सो मच भैया। हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच आने के लिए। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। थैंक यू सो मच। मुझे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच डैड। तो चलो थोड़ी देर अंदर चले। ओके। एक्सक्यूज मी। बताइए क्या हुआ डैड? वेल एदा, यहाँ कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ये डैड, इसकी क्या जरूरत थी? आई होप तुम्हें ये पसंद आए। वाह, ये बहुत सुंदर है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक्स, मुझे बहुत पसंद आया। अरे थैंक्स की क्या बात, एंजॉय करो। चलो चलो पहन कर देखते हैं। हाँ। तुम पर बहुत जच रहा है। हैप्पी बर्थडे डियर। मुझे ये तोहफा बहुत अच्छा लगा। चलो अब तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है डैड। मैंने जैसा सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच। चांसू और बरिस ने बहुत मदद की है, थैंक यू उन्हें कहो। थैंक यू सो मच बरिस, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। जानसू कहाँ चली गई? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो लग रहा था कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगी, लेकिन तुम सही हो। चार्ला कहाँ पर है? वो खुद ही आ जाएगी, मैं क्लब से सीधा यहाँ आ गया तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ओह अच्छा, ये असली कहाँ पर है, क्या वो यहाँ नहीं आएगी? वेल भैया, ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं सिवाय एक जन के, जिसे मैंने इनवाइट किया था, वो दिख नहीं रही। किसकी बात कर रही हो? असल। चिंता मत करो, मैंने उससे बात कर ली है, इनफैक्ट उसे सलोन में भी छोड़ दिया। भैया क्या आप दोनों फिर से एक हो गए? नहीं एडा, असल सिर्फ हमारी दोस्त है, अब उसे बुलाया है तो शर्मिंदा मत करना। ठीक है। शेल्डा, क्या बुराक लेट आएगा? हाँ वो लेट हो जाएगा, दरअसल एडा की बर्थडे पार्टी है ना आज। ओ अच्छा, ऐसी बात है। आज तो वो सब अपने आप में ही पार्टी कर रहे हैं, लेकिन निहात अच्छा होगा अगर हम लोग कल साथ में डिनर करें तो। हाँ कर सकते हैं, तुम ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती हो? हाँ मुझे अच्छा लगेगा, आखिर वो मेरी बेटी जैसी ही तो है, वैसे ही प्यार करती हूँ मैं उसे। हाँ तुम सही हो, तुमने उसका काफी ख्याल रखा है इतने सालों से। ओ निहात, आज भी मुझे उस औरत ने जो किया उस पर आश्चर्य होता है। मतलब एडा सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, क्या वो औरत अपने बच्चों को मिस नहीं करती होगी? मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं अगर अपने बेटे को दो दिन ना देखूं तो मैं उसे कितना मिस करती हूँ, पता है ना तुम्हें? उसने तो इतने सालों में कॉल तक नहीं किया बच्चों को। हाँ तो अच्छा है कि उसने कभी बात नहीं की उनसे, आखिर ऐसी इंसान उन्हें दे भी क्या पाएगी। नहीं निहात, मैं ये नहीं मान सकती, देखो माँ होना एक अलग बात होती है, मैं समझ नहीं पा रही कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। कोई बात नहीं, चलो मैं एडा को बर्थडे विश कर दूं। हाँ अंकल। हाँ एडा, दुनिया की सबसे सुंदर भतीजी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ थैंक यू, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच अंकल। मैं बस तुम्हें फोन पर ही बधाई नहीं देना चाहता हूँ, हम जल्दी मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और तुम्हारे लिए तोहफा भी लिया है। बिल्कुल, आपने कॉल किया मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके डियर, तो जल्दी मिलते हैं। रुको एक मिनट, जरा सेल्डा से बात कर लो तुम। ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची बोल रही है ना, मेरी सुंदर परी, हैप्पी बर्थडे, जल्दी ही मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ठीक है फिर बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय। अंकल। हाँ बुराक, मैंने न्यूज सुनी। सच में तुम्हें मुझसे पता चलना चाहिए था, हम आजकल एक दूसरे को नहीं मिल पाते। हाँ अंकल, आजकल हमारा मिलना बहुत कम हो गया। हाँ सही कहा, हमें और मिलना चाहिए। सही कहा। अच्छी पार्टी है ना? हाँ काफी अच्छा अरेंजमेंट। चाला कैसी हो? अच्छी हूँ। हाय वुल्कान। हाय चार्ला, कैसी हो तुम? हैप्पी बर्थडे स्वीटी। थैंक यू सो मच। ओ वेदा, डांस करें? ओके। मुझे आने में देर हो गई जान, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारे पास पिक करने का टाइम नहीं। मुझे काफी काम था चार्ला, आई एम सॉरी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों? ठीक है फिर। डैड, मैं आपसे पूछना भूल ही गई, क्या वो टेडी बेयर और फूल आपने मुझे भेजे थे? नहीं, पर मुझे भेजने चाहिए थे। सॉरी, पर वो मैं नहीं था। इट्स ओके डैड, शायद मेरा कोई सीक्रेट वेलविश होगा। आई मीन मेरा कोई दोस्त होगा। ऑल राइट बेटा, तुम मुझे निकाल दो, उससे पहले मुझे जाना चाहिए। ओह कम ऑन डैड। मजाक कर रहा हूँ। ओके गाइस, एंजॉय करो। सी यू लेटर डैड। हेलो अंकल सिन्हा। ओह हाय जानसू, आओ आओ। थैंक यू। हाय जानसू, हैप्पी बर्थडे यार, तो तुम्हें सरप्राइज अच्छा लगा? हाँ मैं शॉक थी, और तुमने भी मुझे कुछ बताया नहीं। अरे बताती तो सरप्राइज कैसे होता। मेरी छोटी सी बहन अब बड़ी हो गई है। हाँ भैया, आपने माना तो सही। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। थैंक यू सो मच। सब कुछ बहुत सुंदर है, अच्छी बात है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, है ना? हाँ। अच्छा सुनो, आज रात उसे बता दो। हाँ, आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेडीज वहाँ धीरे धीरे क्या बातें हो रही हैं? नहीं कुछ नहीं, बस शोर की वजह से मजाक कर रही थी मैं। लव, चलो डांस करते हैं। बाद में चाला, प्लीज। बुराक, तुम आज ठीक नहीं लग रही हो। थोड़ा थक गया हूँ चाला। ओके लेडीज, चलो मजे करते हैं। ठीक है। कब से वेट कर रही थी। हैप्पी बर्थडे ऐदा, ये तुम्हारे लिए, आई होप तुम्हें पसंद आए। थैंक यू सो मच असली। हाय असली, पार्टी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है? थैंक यू सो मच, मैं इसे अपने रूम में लगा कर रखूंगी।
इसे अंदर ले जाओ। इनफैक्ट यहाँ की सारी लड़कियाँ तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, मैं भी नहीं। थैंक यू। चलो आओ हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं। थोड़ा स्माइल तो करो। ओह हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब हम डांस करें। भैया चलो ज्वाइन करो हमें। क्या हम डांस करें? हाँ चलो। जल्दी है अभी। अच्छा आती हूँ। मेरे डैडी आ गए हैं, मैंने कहा था उन्हें जल्दी नहीं आने के लिए। क्या यार। ओ चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अपनी दिल की बात आज कह देना। फिर मिलते हैं। See you, Jansu. See you. Bye, see you. आज रात के लिए थैंक यू सो मच। सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको मजा आया। और तुम्हें? हाँ मुझे भी स्वीटी। दरअसल मुझे कुछ कहना है तुमसे। बोलो यदा। पहली बात तो तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच स्वीटी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। बरस मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हें काफी लंबे समय से कहना था। एता, एता मतलब देखो तुम मेरी बहन जैसी हो, ये एहसास पहले भी था और आगे भी यही रहेगा। इधर आओ मेरा बच्चा। एदा आई एम सॉरी। चलो ऐसा माने कि ये बात हमारे बीच हुई नहीं। एदा तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसे बताया कि वो मुझे पसंद है और बात नहीं बनी। मेरा तो मजाक बन गया, काश मैंने उसे ये बताया नहीं होता। अब मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकती, सब खत्म हो गया। But it's right. हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अदा प्लीज दुखी मत हो, तुम बहुत ब्रेव हो। शायद वो ये बात अचानक सुनकर शर्मा गया होगा। तो फिर उसे चुप रहना चाहिए था। वो चाहता है जो मैंने कहा उसे भूल जाऊं, और सोचो ऐसा हुआ ही नहीं था। अदा थोड़ा वक्त दो, अगर उसमें तुम्हारे लिए फीलिंग होगी तो वो जरूर बताएगा। सब खत्म हो गया असल में, मुझे शर्म आ रही है। I'm sorry, अदा। Okay, guys, मैं चलता हूँ। अभी तो काफी टाइम है यार। एक्चुअली कल मुझे थोड़ा काम है। हाँ तो हम सब भी काम कर रहे हैं, सिर्फ दो दिन काम किया है इसने। ठीक है फिर मिलते हैं। मैं जा रहा हूं। गुड नाइट।
बाय, गुड नाइट। गुड बाय। सी यू सून। ऐदा, मुझे भी चलना चाहिए, क्या तुम कैब बुलवा दोगी? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मतलब हम छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम कैब से अकेली नहीं जा सकती। असल मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, सच में मैं चली जाऊंगी। देखो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है अदा, फिर से हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, पार्टी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आ जाई। तो अब चले? हाँ ठीक है, तो मैं इसे छोड़कर आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं। हम तब तक निकल जाएंगे वोल्कान। वो दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं, काश वो साथ हो जाएं। यही अच्छा होगा क्योंकि डेनिस का मौका तो गया हाथ से। चलो चलते हैं ना, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। ओके बुराक, तुम बिजनेसमैन बनके कितने बोरिंग हो गए हो। मिलते हैं एडा। बाय बाय, सी यू माय लव, हैप्पी बर्थडे, सी यू सून। बरिस तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता है? मुझे लगता है ये तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है, या हो सकता है वो हैरान हो गया हो। दोनों में से कुछ भी नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, अपनी बहन समझता है। तो क्या हुआ, तुम उसकी बहन तो नहीं हो? पर वो मुझे अपनी बहन मानता है। ओके काम डाउन। कैसे काम डाउन हो जाऊँ? हाँ तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था, मैं एम्बेरस हो गई थी। समझ सकती हूँ, तुम्हें कब से इस पल का इंतजार था। हाँ सोचा नहीं था ऐसा होगा, उसे बताना नहीं चाहिए था। सॉरी, सब मेरी गलती है। नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी है। अगर वो कह देता कि वो भी मुझे पसंद करता है तो मुझे कितनी खुशी होती, ये सब उसकी गलती है। हाँ हम तो यही होप कर रहे थे। क्या करूं, अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं खुश हूं। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, पर असल को पता है। क्या, असल को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उसे बताया। I'm so glad कि उसे बताया। पता है मैं अकेले सब हैंडल नहीं कर पाती, उसने बहुत सपोर्ट किया। जानती हो मुझे पता होता तो तुम्हें अकेला ना छोड़ती। कैसे पता चला तुम्हें? हाँ मैंने फूल देखे तो मुझे लगा वही होगा। पर वो नहीं था जानसू। कौन था फिर? पता नहीं, डैड भी नहीं थे। मुझे पता है तुम्हें कोई पसंद करता है, पर कौन? उफ जानसू क्या फर्क पड़ता है उससे, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अब सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ओके काम डाउन डार्लिंग, उसने तुम्हें खोया है। मैंने उसे खो दिया ना? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जानसू, मुझे पता है सब खत्म हो गया है, शायद वो बाद में पछताया हो। ऐसा है तो वो मुझे कॉल करता ना। इंतजार करो, क्या पता कॉल आ जाए। नहीं मैंने इंतजार किया और उसका कॉल नहीं आया तो मुझे और बुरा लगेगा। सही कह रही हो, अब अपने आप को और अपसेट मत करो। बेटर फील कर रही हो? हाँ अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे बात करके अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं आती, हम बेस्ट फ्रेंड्स जो है। ऐदा क्या हुआ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ बताओ भी। जानसू मेरे डैड। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो मिस एल्चिन है, चाला की माँ। मैं पागल हो जाऊंगी, ये सब हुआ कैसे? ये तो बहुत शॉकिंग है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? मुझे अपने डैड के रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता होगा, और वो भी इस औरत के साथ? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐदा थोड़ा शांत हो जाओ। कैसे काम डाउन हो सकती हूँ मैं, ये फोटोज नहीं देखे तुमने? हो सकता है उन्हें ये बताने में शर्म आ रही हो। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो,
जानसू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं ऐडा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम अभी ठीक नहीं हो। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे आपसे नफरत है डैड। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.